सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। मैं कुलवंत यादव, फार्मर सोल्यूशन एंड टेक्नीशियन, आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जिला दादरी के गांव पिचोपा खुर्द में तारातिन जी के यहाँ। उन्होंने गेहूं की बिजाई की हुई है, उस गेहूं की विशेषताएं बताएंगे, कौन सी वैरायटी है वो बताएंगे और क्या खासियत इस गेहूं में वो बताएंगे आपको। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। आप अपना नाम बताएं। नाम विकास, गांव पिचोपा खुर्द, जिला सरखेजा। आपने जो ये गेहूं बोया है, ये कौन सी वैरायटी है? ये दबंग है जी। ये दबंग प्लस, ये ग्रीन फार्म दबंग प्लस वैरायटी है। कितना बीज लगाया जी आपने? ये एक किलम दो कट्टे लगाए हैं। एक किलम दो कट्टे, मतलब 40 किलो। हाँ, 20-20 किलो। आप अपनी मर्जी से लेके आए थे? ना, सेठ ने कहा था। कहाँ से लेके आते हो आप? बेरला, यादव एग्रीकल्चर, यादव एग्रीकल्चर बेरला से। आप अपनी मर्जी से लेके आइए? ना, सेठ बोला एक बार ये बो के देखो और जो भी होगा वो उसका हम देखेंगे कैसा रिजल्ट है। आप अपनी मर्जी से कौन सा लेके आए थे? वो 32-26। 32-26, ठीक है। वो भी 20 किलो कटा था? ना, वो 40 किलो। ये 20 किलो, वो 40 किलो का था। वो 40 किलो, मतलब वो सिंपल वैरायटी है और ये रिसर्च वैरायटी है। आपने इसमें कितना फर्क दिखा 32-26 और दबंग प्लस में? ये आप देख लो, इसकी बाल भी बड़ी है और कुटाव भी ज्यादा है। और वो 32-26 का लगाया आपने? ये साथ में 32-26। आओ भाई, एक बार 32-26 और दिखा दो, एक बार ये दिखाओ, इसका फुटाव दिखाओ भाई। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जी एक गेहूं पे उगा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करीब करीब 10 कल्ले हैं एक पर। फुटाव भी अच्छा है। और 32-26 और दिखाओ। तो ये है 32-26 वैरायटी और वो थी दबंग प्लस वैरायटी। दबंग प्लस और 32-26 में आपने कौन सा कमी दिखाई दी? 32-26 में कौन सी कमी है? 32-26 में तो एक तो पीलापन है, जो ये पत्ते पीले हो रहे हैं और एक बाल छोटी है इसकी। देखो भाई, ये है इनमें प्रत्येक पेड़ के ऊपर पीलापन, हर पेड़ के ऊपर ये पीलापन दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये देखिए, हर पत्ते पर पीला है। और दबंग प्लस में ये पीलापन की शिकायत पहले भी नहीं, शुरू भी नहीं थी, ये भी नहीं। और एक बाल छोटी है इसकी, एक 32-26 की बाल छोटी है और दबंग प्लस की बाल बड़ी है, लंबी है दो। और चलिए अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये बाल है जी 32-26 की। और इसमें फुटाव भी कम है। चलिए अब फुटाव दिखाते हैं इसको। भाई ये बाल पकड़, ये दिखाएंगे। ये देखिए, दो है, ये दो बीज की बुआई हुई है। इसमें 11 कले दो बीज पर, मतलब के एक पर 4, 5, 4, 5, 5 और 6, उसमें थे 8 और 10 एक बीज पर इसमें। ये देखिए, ये कई बार तो खाली सिंगल ही है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, मतलब फुटाव में काफ़ी अंतर है। दबंग प्लस का मतलब रिसर्च जो वैरायटी है वो बिजाई करने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उसमें रोग भी बहुत कम आता है। आइए उसके बारे में और दिखाते हैं आपको कि पीलापन है या नहीं है। ये है दबंग प्लस, इसकी जो बाली है उसमें और इसमें कितना फर्क है दिखाते हैं आपको। देखिए कितना फर्क है, दबंग की मोटी भी है, दबंग की बाल जो है बालियां वो मोटी भी है और लंबी भी है, और 32-26 की वाली पतली भी है और छोटी भी है। कम से कम बिनु मानो कि 8 से 10 दाने पर बाली के हिसाब से कम है, कम
तो अगर 8-10 एक बाली में कम है तो उसकी पैदावार कम भी होगी और इसकी पैदावार ज्यादा भी आएगी। और कोई इसमें कोई भी रोग नहीं आया, मेन बात तो ये है, कोई पीला पत्ता नहीं दिखाई भाई, कोई भी पीला पत्ता नहीं है इसमें। तो विकास भाई, आप इस वैरायटी से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। मैंने तो वो 32-26 मांगा था बीज। अच्छा, यादव स्टोर वाले पंडित जी ने मुझे कहा कि अब की बार ये बो के देखो, दबंग कलर एक एकड़ के लिए 2 कट्टे दिए थे, तो ये बहुत अच्छा है। 32-26 से बहुत बढ़िया पैदावार है इसकी, मतलब अच्छी पैदावार आएगी। आपको इस बात का भरोसा है कि इसकी बाली भी लंबी है और कोई रोग नहीं? रोग नहीं। आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि रिसर्च वैरायटी बोएं, दबंग प्लस। ठीक है जी, ये 32-26 वाली हल्की है और इसमें बड़े पेड़ापन भी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने हमारे लिए इतना समय निकाला। यही कहना चाहूँगा कि एक बार दबंग प्लस वैरायटी को जरूर होकर देखें, ये अच्छी पैदावार देती है। तो किसान भाइयों, मैं कुलवंत यादव, मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो रियलिटी में है और मैं वो ही वीडियो बनाऊँगा जिससे मैं किसान का फायदा हो। मैं किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूँ, ये रियलिटी में लगाई और किसान इससे संतुष्ट है। और आपको जो इसका 32-26 वाला जो सिंपल वैरायटी थी और रिसर्च वैरायटी थी, मेरे कहने का मतलब ये कि रिसर्च वैरायटी लगाने में ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा फायदा मिलेगा किसान को। और जो भाई मेरे चैनल पे नया आया है तो मैं आगे और अलग वैरायटी की भी वीडियो बना के लेके आऊँगा जिससे आपको उन सभी वैरायटी के बारे में जानकारी मिल सके कि कौन सी वैरायटी में कितना दम है और कौन सी वैरायटी हल्की है। हर रिसर्च वैरायटी में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मैं ना तो किसी की काटफास्ट करता हूँ कि वो वैरायटी ख़राब है या वो वैरायटी बढ़िया है, हर वैरायटी के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो भाई नया चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि गेहूँ की फसल आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।